आज बीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं साइनोनियम्स। इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड्स दिया रहता है और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको सिमिलर वर्ड्स को पिक करना है जो सेम मीनिंग दर्शाता है। ठीक है, चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन उसके समान होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से, इन अनडेटेड इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाढ़। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये बाढ़ होता है। अब देखते हैं कि इसका कौन सिमिलर वर्ड होगा। तो पहला है सफोकेट। सफोकेट मतलब होता है घुटन, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अति प्रवाह, अति प्रवाह। तीसरा बिजी, बिजी मतलब व्यस्त होता है। और चौथा इशू, इशू आपको पता ही होता है कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाढ़ का सिमिलर वर्ड क्या लग रहा है? अति प्रवाह, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरफ्लो। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप पिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदारता, उदारता। ठीक है, ऑप्शन ए रेडीनेस, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी जेनरस एंड ऑप्शन डी फेयरनेस। तो क्या होता है? तो रेडीनेस मतलब होता है तत्परता, तत्परता, तुरंत रेडी हो। ठीक है, अटैचमेंट, अटैचमेंट मीन्स क्या होता है? जुड़ाव, किसी के साथ जुड़ाव। जेनरस, जेनरस मीन्स क्या होता है? उदार। ठीक है, और फेयरनेस क्या होता है? मतलब जो एकदम सही से हो। तो उदार, हमारी उदारता थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनरस। अगर जेनरस के अलावा यहाँ पे काइंड भी रहता है तो काइंड भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, पिनरी। पिनरी मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दरिद्रता, दरिद्रता। ठीक है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? तो डिस्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, टेंशन। ओके, पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? तो ये होता है गरीबी। एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मतलब क्या होता है? खाली, खाली। और रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स क्या होता है? कमी। अब बता दरिद्रता का सही समानांतर जो है कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो दरिद्रता मतलब क्या होती है? गरीबी। ठीक है, तो ये समान मैच करेगा, पॉवर्टी इज द गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्टिनेस। नेस्टिनेस मीन्स क्या होता है? तो नेस्टिनेस मीन्स होता है गंदगी, गंदगी। ओके, तो देखो पेनफुलनेस, पेनफुलनेस क्या होगा? पेनफुलनेस आपको पता होगा कि दर्दनाक, दर्दनाक। ग्रेवेज, ग्रेवेज का क्या होता है? कचरा। इंडिग्निटी, इसका मतलब होता है रोस। और क्रूएल्टी, इसका मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता। अब देखो गंदगी, कचरा मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रैक। रैक मीन्स क्या होता है? तो रैक मीन्स होता है, रैक मीन्स जो होता है खतरनाक होता है, जानलेवा। ठीक है, जान लेवा। ठीक है, खतरनाक इसको बोल सकते हैं। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय क्या होता है? नष्ट करना। एक्सपायर, एक्सपायर क्या होता है? सीमा समाप्त, सीमा समाप्त।
नर्वस, नर्वस क्या होता है, घबराना, घबराना, और लिक्विडेट, लिक्विडेट मीन्स नष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जानलेवा मतलब सीमा समाप्त, एक्सपायर, ठीक है, रैकेट का हो जाएगा एक्सपायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से एरेटिक, एरेटिक इसका मतलब क्या होता है, तो एरेटिक का मतलब होता है अनियमित, अनियमित, ओके। अब देखते हैं आर्बिट्री, आर्बिट्री मीन्स क्या होता है, तो आर्बिट्री जो होता है वो होता है मनमानी, मनमानी। इरेगुलर, इरेगुलर मीन्स अनियमित। उसके बाद अननेचुरल मतलब अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब अप्रस्तावित, मतलब अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है कि जिसको आप मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अनियमित का सही साइन हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से गैमट, गैमट क्या होता है, तो गैमट होता है सरगम, सरगम, ओके। यहाँ पे देखो सर्कल है, क्लास है, मैटर है, रेंज है, तो क्या होना चाहिए, तो सरगम का क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सर्कल नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, रेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन से अप्रोबेशंस, अप्रोबेशंस मीन्स क्या होता है, प्रशंसा, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। चीयर, चीयर मीन्स क्या होता है, खुश, खुशी, चीयर करते ना, खुशी। कंसेंट, कंसेंट क्या होता है, अनुमति, किसी की अनुमति देना। ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। और उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है, रख रखाव, रख रखाव। अब बताओ क्या साइन होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रशंसा मीन्स क्या होता है, अनुमति। यहाँ पे देखो मीनिंग पे नहीं जाना है, यहाँ पे साइनों का मतलब ये होता है कि चारों में से सबसे नियर कौन होगा। किसी की प्रशंसा तभी की जाती है जब उसको हर एक काम के लिए अनुमति मिलती है, उसको कोई बॉन्डेज नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम किसी को फुल अनुमति दे देते हैं तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसेंट, ठीक है। चलो सबसे नियर आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिफ्यूट, रिफ्यूट इसका मतलब क्या होता है, तो रिफ्यूट का जो मतलब होता है वो होता है खंडन, खंड करना, खंड करना, रिफ्यूट, ठीक है। अब देखो आसानी से आप इसको पकड़ लोगे, पहला है वॉइड, वॉइड मीन्स खालीपन। दूसरा क्या है, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट क्या हताश होता है। तीसरा क्या है, डिस्प्रोव, डिस्प्रोव मतलब असत्य होता है। और हाइंडर, हाइंडर मतलब बाधा डालना होता है, ओके। अब क्या होना चाहिए, तो डिस्प्रोव का हमने क्या बताया, असत्य, असत्य। खंडन में आप यहाँ पे देखो असत्य ये मैच कर सकता है, ठीक है। खंडन, किसी भी चीज़ का खंडन करना या फिर उसको गलत ठहराना, उसको असत्य घोषित करना, ये हमारा सही साइन हो जाएगा। बट यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखोगे उसके अकॉर्डिंग ये सबसे सिमिलर है, हालांकि पूरा मैच नहीं करेगा लेकिन सबसे सिमिलर क्या होगा, देखो यहाँ पे वॉइड मतलब क्या होता है, खाली, खंडन का खाली होगा, नहीं होगा। फ्रस्ट्रेट मतलब हताश, निराश, निराश खंडन का नहीं होगा। हाइंडर मतलब बाधा, बाधा नहीं होगा खंडन का। अब बचा असत्य, तो इस तरह से आपको चूज करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्रूबी, ग्रूबी मीन्स क्या होता है, तो ग्रूबी मीन्स होता है गंदा। अब गंदा का सिमिलर क्या होगा, ब्लैक नहीं हो सकता है। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट क्या हो सकता है, भ्रष्ट नहीं हो सकता है।
ऑफेंसिव, ऑफेंसिव क्या होता है, अप्रिय मतलब असहनीय, नहीं हो सकता है। डर्टी, डर्टी मीन्स गंदगी, ये हो सकता है। तो इस तरह से आप आसानी से साइनोनियम्स कर सकते हो। जो भी आपको एक वर्ड्स मिलेगी उसके सिमिलर मीनिंग वाले आपको वर्ड को चूज करना है और आपको टिक लगा देना, सबसे आसान होता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस साल आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ो। इस पीडीएफ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू 2023 के लिए बेस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये गारंटी है। ये पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में, जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और ऐप जो है वो हमारे प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, इसको पढ़ लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।